दोस्तों, आज की कहानी है एक ब्राह्मण भक्त की। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण भक्त ने भगवान विष्णु की बहुत ज्यादा तपस्या की और वह हर जगह सिर्फ भगवान विष्णु को ही खोजता रहता था। एक दिन खोजते खोजते उनको भगवान विष्णु के दर्शन हुए और जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु को देखा तो वह ब्राह्मण व्यक्ति भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़ा। यह एक ऐसा पल था जिसको समझा पाना बेहद मुश्किल होगा। इस मिलन ने भक्त को करुणा और आनंद से मंत्रमुग्ध कर दिया था। भक्त बेहद आनंदित था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो उसको चाहिए था वो उसको अब मिल चुका था। उस भक्त ने भगवान विष्णु को खूब धन्यवाद किया, और जैसे ही भगवान विष्णु जाने वाले थे तो उस भक्त ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझसे कुछ थोड़ा सा काम करा लें, कुछ सेवा करा लें। आपने इतना कुछ दिया, जीवन दिया, जीवन का परम उत्सव दिया, मुझसे कुछ थोड़ी सी सेवा करा लीजिए, ताकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। भगवान विष्णु बोले, कर सकोगे? करना बहुत कठिन होगा। मगर भक्त जिद्दी और अड़ियल था, तो भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए जाकर जल लेकर आओगे? भक्त ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, अभी लाता हूं। यह सुनते ही वह एक गांव की तरफ भागा और गांव में घर के दरवाजे पर जाकर एक दस्तक दी। एक सुंदर युवती ने इस दरवाजे को खोला। उस भक्त ने कहा, देवी, क्या मुझे एक प्याली भर शीतल जल मिल सकता है? इस पर उस युवती ने कहा, आप आए हैं ब्राह्मण देवता, अंदर आकर मेरे घर को धन्य करें, ऐसे बाहर बाहर से ही ना चले जाएं। फिर मेरे पिता भी बाहर गए हैं, मैं घर में अकेली हूं, वह घर वापस आएंगे तो बहुत ज्यादा नाराज होंगे कि ब्राह्मण देवता आए और तूने उनको बाहर से ही वापस भेज दिया। नहीं नहीं, आप एक बार भीतर आए, एक क्षण को तो ब्राह्मण देवता डरे। युवती है, सुंदर है, अति सुंदर है, ऐसी सुंदर स्त्री शायद उन्होंने कभी नहीं देखी थी। इस पल में भगवान विष्णु भी एक पल के लिए फीके मालूम पड़ने लगे थे। विष्णु के फीके हो जाने में देर ही कितनी लगती है। अब वह युवती मान ही नहीं रही थी और ब्राह्मण देवता को बार बार अंदर आने के लिए कह रही थी। ब्राह्मण देवता के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन युवती तो मानी नहीं। उसने ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया कि आप भीतर आए, ऐसे मैं आपको नहीं जाने दूंगी। उस युवती का हाथ का पकड़ना ब्राह्मण देवता के लिए बिल्कुल विलीन हो जाने लायक था। वह ब्राह्मण देवता को भीतर ले गई। उसने कहा, जल तो आप ले जाएं, लेकिन पहले स्वयं तो जलपान कर लें। उस युवती का भाग भाग कर ब्राह्मण देवता की सेवा करना ब्राह्मण देवता को काफी अच्छा लगा। और ऐसी व्यवस्थाओं के बीच अब ब्राह्मण भगवान विष्णु को धीरे धीरे भूलने लगा। कभी कभी बीच में उन्हें विष्णु भगवान की याद आ जाती कि बेचारे प्यासे होंगे। फिर वह सोचने लगता कि ठीक ही है, भगवान को भला क्या प्यास, वो तो उन्होंने बस मेरे मन को रखने के लिए कह दिया, अन्यथा उनको क्या प्यास लगेगी, वह तो पहले से ही परम तृप्ति में है, तो ऐसी कोई जल्दी तो नहीं, जरा दो क्षण रुक ही जाता हूं। थोड़ी देर बाद युवती ने कहा कि मेरे पिता कुछ ही देर में आते ही होंगे, जब आप हमारे घर आ ही गए हैं तो एक बार उनसे मिल ही लीजिए। ब्राह्मण अब राजी हो चुका था, और इस दौरान युवती उनकी पूरी सेवा करती रही। युवती का अति सौंदर्य और खूबसूरत रूप ब्राह्मण के मन को लगातार मोह रहा था। शाम हो गई थी, पिता तो लौटे नहीं। अब युवती ने कहा, आप भोजन तो कर ही लीजिए, अब शाम को भला भोजन कहाँ करेंगे और कहाँ जाएंगे और कहाँ भोजन बनाएंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, यह बात भी ठीक है, तो उन्होंने भोजन कर लिया। समय बीतते बीतते अब रात हो गई थी। युवती ने ब्राह्मण देवताओं कहा,
अब आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे? आपके लिए बेहतर होगा आज आप हमारे घर में ही विश्राम करें। सुबह सुबह भोर होते ही आप ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाना। ब्राह्मण इस बात पर राजी हो गया। फिर एक के बाद एक काम आते गए। अब ब्राह्मण देवता करे भी तो क्या करे। सुबह होते ही युवती कहने लगी कि ब्राह्मण देवता, पिता तो आए नहीं, गाय का दूध लगाना है और मुझे ये कार्य आता नहीं, क्या आप मेरे लिए यह कार्य कर देंगे? तो ब्राह्मण ने गाय का दूध लगाया, फिर बैल भी बीमार था। तो युवती ने कहा, ब्राह्मण देवता, इसकी भी कुछ सेवा कर दीजिए, मैं कहाँ से भला औषधि लेने जाऊँ? और फिर ये सब जीव जंतु परमात्मा के ही तो हैं। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और ब्राह्मण वहीं रहने लग गया। और कुछ समय बाद ब्राह्मण ने उसी युवती से विवाह भी कर लिया। कुछ समय बाद उनको प्यारे से बेटे बेटियां हुई और उनका परिवार यूं ही बढ़ने लगा। करीब 50 साल बाद बेटों के भी बेटे हो गए। लेकिन एक दिन गांव में बाढ़ आई, एक भयंकर बाढ़। ब्राह्मण देवता बूढ़े हो गए थे और इस बाढ़ में अपने नाती पोतों और बच्चों को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस बाढ़ में सारा गांव डूब गया था। ब्राह्मण देवता मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसी भयंकर बाढ़ उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी और ना ही कभी सुना कि इतिहास में कभी ऐसी बाढ़ आई हो। इस भयंकर बाढ़ में एक हाथ से उन्होंने अपनी पत्नी को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अपने बच्चों को। बाढ़ में अपने आप को बचाते बचाते अचानक उनके हाथ से अपनी पत्नी का हाथ छूट गया और पत्नी बाढ़ में बह गई। जैसे ही वह अपनी पत्नी को बचाने दौड़े, उनका दूसरा हाथ जो उनके बच्चों ने पकड़ा हुआ था वह भी छूट गया और इस बाढ़ में उनके बच्चे भी बह गए। ऐसे करते करते बढ़ती हुई बाढ़ में पूरा परिवार बह गया। जैसे तैसे ब्राह्मण देवता ने अपने आप को बचाया और इस बीच बचाव में एक चट्टान के पास जाके बैठ गए। फिर उनकी नज़र एक बड़ी सी लहर पर जाती है। वह देखते हैं एक बड़ी सी लहर में भगवान विष्णु सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। जैसे ही ब्राह्मण ने भगवान विष्णु को अपनी ओर आते हुए देखा, उन्होंने भगवान विष्णु को सादर प्रणाम किया और भगवान विष्णु बोले, मैं प्यासा ही हूं, तुम अभी तक पानी नहीं लाए? मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे और अगर संसार की तरफ आंख बंद करके भागोगे तो छोटे छोटे कामों में ही उलझ के रह जाओगे। भगवान की इस लीला को ब्राह्मण समझ गया था। उसने विष्णु जी से क्षमा याचना की और भगवान ने भी उसकी क्षमा याचना को स्वीकार किया और इसके साथ ही ब्राह्मण को उसका पूरा परिवार जीवित लौटा दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने सभी चाहने वालों के साथ और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।